हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। सो नाउ वी आर ऑन द फोर्थ टॉपिक। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर का फोर्थ टॉपिक पे आ चुके हैं हम लोग। ऑलरेडी चार वीडियोस हमने ले लिया है, चार वीडियोस हमने देख लिया है इस चैप्टर का। ठीक है, सो इस वीडियो लेक्चर में इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी के बारे में। किसके बारे में? ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ टर्म्स समझना पड़ेगा हमको, जो ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ इधर, सैचुरेटेड एयर एंड अनसैचुरेटेड एयर। नाउ यू ऑल नो, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था या रीजनरेशन वाला प्रॉपर्टी के बारे में, अगर आपने वो वाला वीडियो देखा रहेगा तो उसमें पता रहेगा कि मैंने बोला था कि जो भी अपना एनवायरनमेंट है, राइट, जो भी अपना सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, उसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट रहता है? वाटर वेपर प्रेजेंट रहते हैं, बराबर है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो भी एनवायरनमेंट है, राइट, जो भी एयर है उसमें ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है, राइट। एकदम सिंपल सी बात है। तो आप सोचोगे कि सर वाटर वेपर तो प्रेजेंट है, लेकिन कितना वाटर वेपर प्रेजेंट हो सकता है कि नहीं? मतलब जो भी आपके आजू बाजू में एयर है, इट हैज़ गॉट सर्टेन कैपेसिटी, उसके बाद कुछ तो कैपेसिटी होगा वाटर वेपर होल्ड करने का, राइट। जैसे अगर आप घर में बैठे हो तो जस्ट इमेजिन कि जो लिविंग रूम है उसमें सर्टन अमाउंट ऑफ एयर है, तो उस एयर में या फिर किचन का एग्जांपल लेता हूँ, इससे आपको अच्छे से समझेगा। किचन में मम्मी क्या करती है? खाना एंड ऑल बनाती है, राइट। ठीक है, तो जब कोई भी मम्मी कुछ बनाती है, कुछ प्रिपेयर फूड प्रिपरेशन चालू रहता है, तो यू माइट हैव एनकाउंटर्ड विद समथिंग, जो जब मम्मी गैस चालू करके रखती है तो कुछ तो स्टीम बाहर निकलता है कि नहीं? तो जब वो स्टीम बाहर निकलता है तो वो स्टीम जाता कहाँ है? हैव यू एवर इमेजिन दैट, कि वो जो भी पानी मम्मी ने डाला या फिर कोई भी चीज़ था तो वो वेपर में बन गया, ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, बट वो बाद में डिसअपियर हो जाता है कि नहीं? बाद में तो वो गायब हो जाता है। मीन्स गया किधर वो, है कि नहीं? तो वो तो एयर में मिक्स हो गया। अब बोलोगे सर एयर में मिक्स हो गया वो, मैं बोलता हूँ नहीं, मिक्स नहीं हुआ। एयर के पास कुछ कैपेसिटी होता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टीम या फिर सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वो होल्ड कर सकता है। समझ में आया? सो जस्ट इमेजिन जिस रूम में आप बैठे हो, ठीक है, उस रूम का जो भी कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फिर बोल सकते हो कि वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी जितना है, वो प्रोबेबिलिटी मान लो 100 grams, कितना 100 grams वाटर वेपर आपके आजू बाजू में जो एयर है वो क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है। और अगर कैसे भी उसको 100 grams वाटर वेपर मिल गया, मीन्स उसको बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड एयर, सेटिस्फाइड एयर ना, है कि नहीं? 100 grams चाहिए था वाटर वेपर, दे दिया 100 grams, जैसे दे दिया वो क्या हो गया? सैचुरेटेड एयर, या फिर आप बोल सकते हो फुल्ली फिल्ड एयर विथ वाटर वेपर, बराबर। जितना उसका कैपेसिटी है उतना ही उसको वाटर वेपर दे दिया, एज सिंपल एज दैट। अच्छा सर क्या अनसैचुरेटेड का मतलब क्या? जितना उसको चाहिए था उससे कम दिया। समझ में आया? जितना उसको चाहिए था उससे उसको कम दिया, सही है। 100 grams की नीड थी ना आजू बाजू वाले घर में, जो भी घर का जो था, ठीक है, तो उसको कितना दिया? उसको मान लो 50% दे दिया, 50 grams, बराबर है। तो क्या वो फुल्ली फिल्ड है? नहीं, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, बराबर, आधा या आधे से ज़्यादा या आधे से कम, जो भी है, बट कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। तो जब कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है मतलब अनसैचुरेटेड एयर। नाउ व्हाट इज ड्यू पॉइंट? ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट बोल सकते हो कि जहाँ से ड्यू फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, बराबर। क्या फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है? ड्यू फॉर्म होना उसके आगे स्टार्ट हो जाएगा। नाउ जस्ट इमेजिन, देखते हैं क्या है इसका जो डेफिनेशन है, एज इट इज, जैसे हमारे बुक में जो इसका ये वाला जो डेफिनेशन दिया है, इट इज गिवन एज पर योर टेक्स्ट बुक, सो यू कैन ऑल्सो रिफर योर टेक्स्ट बुक फॉर दिस। इसके लिए आप अपना टेक्स्ट बुक भी रिफर कर सकते हो। तो इसमें बोला है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। सपोज अनसैचुरेटेड एयर इज टेकन, बराबर, अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, बराबर। अनसैचुरेटेड एयर लिया है मतलब फुल्ली फिल्ड नहीं है, है कि नहीं? चलो मान लो मैं ड्रॉइंग कर देता हूँ थोड़ा सा, मान लीजिए ये जो था दिस इज अनसैचुरेटेड एयर, सही है। तो मैं बोलता हूँ कि इसमें इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट ये फील्ड है, इसमें डब्ल्यू वी प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है, सही है, इतना फील्ड है बट इतना रिमेनिंग है, बराबर। सो नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो भी एयर है अपना, इसको मैं क्या बोलूँगा? दिस इज नथिंग बट
अनसैचुरेटेड एयर, क्या बोलूंगा इसको, अनसैचुरेटेड एयर, बराबर। क्यों अनसैचुरेटेड है, क्योंकि फुल्ली फिल्ड नहीं है ना, वाटर वेपर जितना उसको चाहिए, जितना उसको वाटर वेपर चाहिए उससे कम है, मतलब अनसैचुरेटेड, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ, इसका जो भी टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसका जो भी टेम्परेचर है क्या कर रहा हूँ, मैं कम कर रहा हूँ। तो जब अनसैचुरेटेड एयर का टेम्परेचर मैंने कम किया, तो एक ऐसा टाइम आएगा, ओके, एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज, अ टेम्परेचर इज रीच्ड एट विच द एयर बिकम सैचुरेटेड। फिर एक ऐसा टेम्परेचर हमको मिलेगा जहां पर ये अनसैचुरेटेड एयर किस में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड में। वापस रिपीट करता हूँ, हमने क्या लिया, अनसैचुरेटेड एयर लिया, उसका टेम्परेचर धड़ कम करते गए, तो जब उसका टेम्परेचर कम करते गए तो एक टाइम पे एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर आया जहां पर ये यूए एसए में कन्वर्ट हो गया, अनसैचुरेटेड एयर किस में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड एयर में। सो दैट सर्टन पॉइंट वेयर अनसैचुरेटेड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड वंस, दैट इज नथिंग बट योर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, बराबर। सर व्हाट इफ वी कूल इट मोर, क्या होगा सर, उसको और भी ज़्यादा ठंडा करते गए तो भाई ड्यू फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो आप लोग बोल देते हो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मैं भी मानता हूँ, बट एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कौन से फॉर्म में है, इज इट इन द स्टीम, इट इज, मतलब क्या वो स्टीम के फॉर्म में है, क्या वो लिक्विड के फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है। सो द आंसर इज लिक्विड, वो कौन से फॉर्म में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है। बाद में सोचते रहना कैसे लिक्विड में फॉर्म में रहा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, मतलब ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ से ये बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, ये लिक्विड कन्वर्ट होने लगेगा किसमें, गैसियस स्टेट में। इट मींस कि एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर 100 डिग्री उसको हीट कर दिया सर, सिर्फ 100 डिग्री डॉट किया तो वो लिक्विड ही रहेगा, समझ में आएगा, सिर्फ कितना 100 डिग्री किया तो, इट इज़ इन द लिक्विड स्टेट ओनली। अच्छा, वॉट इफ 101, जैसे 101 किया, सर्टन अमाउंट विल गेट इनटू वाटर वेपर, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, बराबर। नाउ दो चीज समझ लिया, व्हाट इज सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर अनसैचुरेटेड एयर सैचुरेटेड एयर में कन्वर्ट हो जाता है, एज सिंपल एज दैट, एकदम ईजी, बराबर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कमिंग टू द ह्यूमिडिटी, नाउ सर व्हाट इज ह्यूमिडिटी, तो आपको तो ये पता ही है, आपको पता है अपने आजू बाजू जो भी एयर है, इट हैज़ गॉट सर्टन अमाउंट इनके पास किसका है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, बराबर, या फिर जितना भी वाटर वेपर है वो कहीं ना कहीं एयर में रहे ही ना, ठीक है, मीन्स एयर के पास कैपेसिटी है वाटर वेपर होल्ड ऑन करने की। सो जब एयर के पास प्रॉपर्टी है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फिर वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी, तो बोल सकते हैं कि जितना भी मॉइस्चर, समझ में आया, जितना वाटर वेपर ज़्यादा होता है उतना ही एयर का मॉइस्चर बढ़ता है, तो मॉइस्चर जितना बढ़ेगा, क्या जितना मॉइस्चर होगा या फिर जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है कहाँ पर, एयर में, दैट इज नथिंग बट ह्यूमिडिटी, समझ में आया, ठीक है। सो द मॉइस्चर प्रेजेंट, ऐसे लिख सकते हो, द मॉइस्चर प्रेजेंट इन the atmosphere, right? So जितना भी moisture अपने atmosphere में present है, that is nothing but humidity, हो गया। अब आते हैं relative humidity पे, ठीक है, relative humidity क्या है, so इसका formula दिया है, relative humidity is actual mass of water vapor, right? Divided by mass of water vapor needed to make it सैचुरेटेड मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज बोला है, ठीक है। अगेन द सेम थिंग इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक में भी सेम चीज बताया गया है। और मेरे कहने का मतलब क्या है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, कि सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट है, बराबर, सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट है, लेकिन मान लो वो सैचुरेट नहीं है,
क्या नहीं है, सैचुरेट नहीं है. सो उसको थोड़ा और चाहिए सैचुरेट होने के लिए. समझ में आया? ठीक है, तो क्या बोला है, जितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय जितना और उसको चाहिए, सो दैट वो किस में हो जाए, सैचुरेट में हो जाए. समझ में आया? सो दिस इज अ काइंड ऑफ रेशियो, जितना उसके पास है और डिवाइडेड बाय उसको जितना चाहिए. तो ये बेसिकली एक रेशियो है. ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ए रेशियो ऑफ विच एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर जितना है डिवाइडेड बाय हाउ मच इट नीड्स, उसका रिक्वायरमेंट कितना है, सो दैट वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए. बराबर. अभी देखो एक चीज मैंने लिखा है इधर, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 60% से ज्यादा होगा तो एयर इज ह्यूमिड. ऐसा लगेगा कि हाँ, हवा में ना थोड़ा सा मॉइस्चर है, हवा में थोड़ा पानी है. बराबर है, तो एयर विल बी ह्यूमिड. अच्छा, अगर 60% से कम होगा सो दिस इज ड्राई, एकदम सूखा सूखा हवा जाएगा. ठीक है, गर्म हवाएं चलेंगी, एकदम ड्राई एयर हो जाएगा. ठीक है, सो ये भी चीज़ जो हमारे टेक्स्ट बुक में छोटे छोटे वर्ड्स में दिया है वो मैंने आपको बता दिया है. नाउ एक चीज़ है वो बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि जो भी प्लेन्स है, राइट, जो भी एरोप्लेन्स है, सो जब विंटर के टाइम में ये लोग जाते हैं ऊपर से, जब उड़ते रहते हैं, सो यू माइट हैव सीन कि वाइट वाइट क्लाउड्स पीछे फॉर्म होता है. What is the reason behind that? ये क्यों हो रहा है कि नहीं? तो basically क्या होता है, ऊपर का temperature कम है ना, atmosphere में जितना ऊपर जाएंगे temperature कम है. तो जब temperature कम होगा तो आपको पता है क्या होगा, already last lecture में हमने discuss किया था, जब temperature कम होता है और उधर जो engine से जितने भी gas निकलते हैं, जितना भी vapor निकलता है, ये क्या हो जाता है, condense हो जाता है. क्या हो जाता है, condense हो जाता है, cloud form हो जाता है एक तरीके से. सो अगर उसमें जो भी ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, अगर ये ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा क्या होने के लिए, डिसअपियर होने के लिए. बराबर. और वही अगर ड्राई रहेगा तो, या फिर अगर वही कम लगेगा, मतलब कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो उसको बेसिकली थोड़ा मतलब तुरंत गायब ही हो जाएगा वो. ठीक है, या फिर दिखेगा ही नहीं. तो बेसिकली ये चीज़ गर्मियों में नहीं देखने को मिलता है. क्यों नहीं देखने को मिलता है? अरे क्योंकि टेम्परेचर उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है ना, है कि नहीं, टेम्परेचर उतना ज़्यादा लो नहीं है ऊपर, इसलिए कि आपको ये चीज़ विंटर में देखने को मिलता है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होता है तो वो क्लाउड जो है उनको डिसअपियर होने के लिए टाइम लगता है, और वही अगर कम रहता है तो डिसअपियर तुरंत हो जाता है. समझ में आया? सो जैसा कि हमारे बुक में जो चीज़ दिया था, सो आई होप कि आपको क्या समझा, ह्यूमिडिटी समझा रहेगा. ठीक है, ड्यू पॉइंट समझा रहेगा, सैचुरेटेड एयर, अनसैचुरेटेड एयर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, बराबर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, एंड सो ऑन. सो आई होप कि आपको ये सब समझा है. ठीक है, सो इफ़ देर इज़ एनी डाउट, अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट लगता है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, चालू है, ठीक है, कमेंट सेक्शन, जस्ट पोस्ट योर क्वेरीज, पोस्ट योर डाउट्स देयर. ओके, वी विल गेट इन टच विथ यू एज सून एज पॉसिबल. Thank you.